नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्विगी कंपनी के अंदर आई लेटेस्ट वर्क फ्रॉम होम जॉब ओपनिंग के बारे में। अब दोस्तों, यहां पे स्विगी बेसिकली हायर कर रही है इंटर्नशिप जॉब के लिए, जो कि कुछ टाइम बाद आपका फुल टाइम जॉब में कन्वर्ट हो जाएगा। पर दोस्तों, इंटर्नशिप के भी टाइम पे आपको स्टिपेंड मिलेगी, यहाँ पे आपको सैलरी भी मिलने वाली है। और दोस्तों, यहाँ पे ये लोग बल्क हायरिंग कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे 50 से ऊपर नंबर ऑफ यहाँ पे दोस्तों हायरिंग चल रही है। सो गाइज, यहाँ पे बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए एक बहुत ही टॉप क्लास कंपनी के अंदर जॉब स्टार्ट करने का। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको वर्क फ्रॉम होम जॉब मिल रहा है, इंटर्नशिप को जॉब है, जो कि 3 महीने बाद फुल टाइम में भी कन्वर्ट हो सकता है अगर आप अच्छा काम करते। तो यहाँ पे आप पूरे भारत से अप्लाई कर सकते हैं और गाइस, काम भी काफी यहाँ पे इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो दोस्तों, वीडियो को डिटेल में एंड तक देख के यहाँ पे सारे अप्लाई जरूर कर देना। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको ऐसी लेटेस्ट जॉब की अपडेट चाहिए, जल्दी से गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन दबा सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और आप दोस्तों, ये जॉब को शेयर भी कर सकते हैं अपने किसी भी फ्रेंड के साथ या अपने किसी भी फैमिली मेंबर साथ, जिसको भी ऐसे जॉब की अर्जेंट नीड है, उनके साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले आप। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं बेसिकली मैं जॉब के ओपनिंग के पेज पे आ गया हूँ। गाइस, यहाँ पे आप काम करने वाले बेसिकली यहाँ पे एज अ फील्ड सेल्स के तौर पे, पर चिंता आपको बिल्कुल नहीं करना। आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आर अवेलेबल फॉर वर्क फ्रॉम होम जॉब इंटर्नशिप। तो यहाँ पे आपको जो काम है घर बैठ के ही करना पड़ेगा, पर फुल टाइम होने के बाद मे बी आपको लोकेशन पे जाना पड़े, बट दैट इवन नॉट श्योर, हो सकता है कि आपको आगे भी ये वर्क फ्रॉम होम जॉब ही दे दे। गाइस देखो, यहाँ पे सैलरी पैकेज की बात करते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि 15,000 पर मंथ की यहाँ पे आपको स्टाइपेंड मिलने वाली है। और दोस्तों, 30 तारीख से पहले आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना, 30 दिसंबर से पहले, तो बहुत लंबा टाइम यहाँ पे मिल रहा है। और गाइस, ये जो ओपनिंग है ये बेसिकली आपके ये इंटर्न साला के ऊपर दोस्तों, तो बहुत ही एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। अगर आप एक इंटर्नशिप को जॉब ढूंढ रहे हैं तो इंटर्न साला एक वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म आपके लिए हो सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से आप और भी बहुत सारे इंटर्न के जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। गाइस देखो, यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं क्या बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ ओपनिंग जो है ये 50 है, तो यहाँ पे बल्क हायरिंग चल रही है, तो सारे अप्लाई कर देना डिटेल को समझ के। गाइस देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें क्या आपको काम करना पड़ेगा, क्या आपका जॉब रोल होने वाला है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पार्टनर ओनर ऐप आउटलेट ऑपरेशन हाइजीन। तो यहाँ पे दोस्तों, मेजर काम आपका जो यही होने वाला है कि आपको यहाँ पे आउटलेट आपके नाम पे असाइन होने वाला है, तो आपको उस आउटलेट का पूरा टेक केयर करना है। मतलब यहाँ पे उस आउटलेट का ऑपरेशनल पार्ट आपको देखना है, वहाँ के हाइजीन को देखना है। इसके अलावा यहाँ पे जो भी वहाँ का मेन्यू प्रिपरेशन करना है, डिस्क्रिप्शन प्रिपरेशन करना है, ये सारा काम आपको होने वाला। वैसे गाइस, यहाँ पे बेसिक ट्रेनिंग जो है वो आपको मिलेगी, कंपनी देने वाली है, पर उसके बाद आपका ये यहाँ पे काम होने वाला है। इसके अलावा मेनू का जो इमेज का कवरेज है वो करना आपको यहाँ पे, जो भी डिस्क्रिप्शन है वो आपको बनाना है यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों, जो जो इनकी अवेलेबिलिटी उसका भी आपको ध्यान देना है कि जो भी फूड का स्टॉक है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है इनके पास। इसके बाद आपको अगेन मेन्यू को अपडेट करना है यहाँ पे, उसकी ट्रेनिंग भी आपको देनी है यहाँ पे, जो भी होटल ओनर वगैरह, जो भी यहाँ पे रेस्टोरेंट के लोग हैं उनको, और प्रॉपर तरीके से उनको सपोर्ट देना, जो भी कंसर्न वगैरह आ रहे हैं उनके। तो यहाँ पे आप बेसिकली उस रेस्टोरेंट के, जो भी आपके रेस्टोरेंट आपके नाम पे असाइन हो रहा है, उन सारे रेस्टोरेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आप होने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको हेल्प करना उनको, ताकि उनका बिजनेस ग्रो कर सके, और साथ साथ जो भी स्विगी का पेमेंट लेना, जो भी अपडेट करना, मेन्यू का बेटर करना, ये सारा काम दोस्तों यहाँ पे आपका होने वाला है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो क्या बोल रहे हैं, आर अवेलेबल फॉर वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप जॉब। तो यहाँ पे ऑब्वियसली वर्क फ्रॉम होम या इंटर्नशिप जॉब है, तो उसके लिए आपको अवेलेबल रहना पड़ेगा। इसके बाद क्या बोल रहे, कैन स्टार्ट द वर्क फ्रॉम होम जॉब इंटर्नशिप बिटवीन 16 to 20। तो यहाँ पे आप दोस्तों एज सून एज पॉसिबल स्टार्ट कर देना आप, लेकिन यहाँ पे अप्लाई मतलब 30 तारीख तक आपका अप्लाई का डेट है, पर जितना हो सके उतना जल्दी अप्लाई कर देना आप। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, 3 महीने का ड्यूरेशन यहाँ पे है। और यहाँ पे जो रिलेवेंट स्किल्स में क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपका जो कम्युनिकेशन वाला पार्ट है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि स्किल रिक्वायर्ड में क्या है, इंग्लिश प्रोफेशन जो है वो आपका स्ट्रांग हो, मतलब इंग्लिश आपका रिटन वाला पार्ट और वर्बल पार्ट, लिखने में और बोलने में दोनों आपका स्ट्रांग यहाँ पे होना चाहिए। बहुत स्ट्रांग गाइस नहीं चाहिए, बट एटलीस्ट आपका एवरेज हो, आप लोगों से बात कर पाते हैं, इंग्लिश आपके ग्रामेटिकली स्ट्रांग है, यही स्किल आपको चाहिए। और इसके बाद एजुकेशन में क्या है, आप 12वीं पास है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएशन में है, अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ग्रेजुएट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, पर अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट भी हैं तो भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। और दोस्तों, यहाँ पे पॉक में क्या है, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, जॉब को आपको ऑफर मिलेगा, मतलब फुल टाइम आपको जॉब का ऑफर मिलेगा। अगर आपका 3 महीने अच्छा नहीं जाता है
तो यहाँ पे तो भी आपको 3 महीने का आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा। स्विगी जैसे कंपनी का ही सर्टिफिकेशन आपको हर जगह बहुत ज्यादा काम आएगा, तो सारे यहाँ अप्लाई कर देना। सो गाइस ये सब डिटेल यहाँ पे देखो, अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको अप्लाई नाउ करना है और यहाँ पे बहुत बेसिक एप्लीकेशन प्रोसेस है। पर गाइस देखो, अप्लाई करने से पहले एक चीज का ध्यान देना है कि आपको जो प्रोफाइल है ना, यहाँ प्रोफाइल पे जाएंगे ना एप्लीकेशन पे, तो यहाँ पे मेक श्योर करना है कि जो प्रोफाइल आपका वो आपने स्ट्रांगली बिल्ड कर रखी है, मतलब जो रिज्यूमे आपने अटैच कर रखा है, क्योंकि जो आपका रिज्यूमे ऑटोमेटिकली ये लोग आपसे ले लेंगे ना यहाँ पे जैसे अप्लाई करेंगे आप, तो यहाँ पे बस ये नॉर्मल सा एप्लीकेशन है, बट यहाँ पे जो रिज्यूम है वो ये बेसिकली ऑटोमेटिकली जो भी प्रोफाइल बनाया आपने इंटर्न शाला पे, वहां से आपके रिज्यूम को ये लोग अटैच कर देंगे, खुद ही ऑटोमेटिक ले लेंगे। तो आपको ध्यान देना है कि जो भी रिज्यूम आपने इंटर्न शाला पे डाल रखी है उसमें इंटर्न के जॉब के जो भी रिक्वायर्ड स्किल है वो सब आपने ऐड करके इसका ध्यान देना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मेंशन इन डिटेल व्हाट रिलेवेंट स्किल और पास्ट एक्सपीरियंस यू हैव फॉर दिस इंटर्नशिप, व्हाट एक्साइट्स यू अबाउट दिस इंटर्नशिप, व्हाई वुड यू बी अ गुड फिट। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक स्ट्रांग रीजन देना है कि अगर आपने पहले काम कर रखा है तो उसके बारे में बता सकते हैं, या अगर आपने काम नहीं कर रखा है तो आप में एग्जैक्टली ऐसी क्या क्वालिटी है जिसकी वजह से आप इस पोजिशन के लिए परफेक्ट होने वाले। तो यहाँ पे आपको डिटेल में आंसर देना प्रॉपर तरीके से, और आपको मेक श्योर करना है कि यहाँ पे आप अपने आप को बेस्ट फिट दिखा रहे हैं इस जॉब रोल के लिए, इसका ध्यान देना दोस्तों। और इसके बाद यहाँ पे यस करके आपको सबमिट कर देना है। तो बहुत ही बेसिक सा यहाँ पे फॉर्म होने वाला है, बट आपका ध्यान आपको ध्यान देना है कि जो इंटर्न शाला पे प्रोफाइल बनाई थी आपने, वहाँ पे आपने रिज्यूम स्ट्रांग तरीके से ऐड कर रखी है, और वहाँ पे जो स्किल वगैरह कॉलम वहाँ पे भी आपने जो भी स्किल रिक्वायर्ड वो सब आपने ऐड कर रखी, बेसिक चेंज कर देना, भले 5-10-15 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगा पर वो काम करना बिल्कुल मत छोड़ना। सो दोस्तों ये थी आज की अपडेट, आशा करता हूँ कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। गाइस काफ़ी अच्छी अपडेट है, स्विगी जैसे कंपनी है तो कोई भी यहाँ पे मिस करना बिल्कुल मत भूलना। अब दोस्तों वीडियो की अपडेट अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर दे देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो जरूर कर लेना गाइस, बिकॉज इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे ऐसे ही एक और नए धमाकेदार अपडेट है, तब तक के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।